मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठिए को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एबार बांग्लादेशी रोहिंग्या एवं अवैध अनुप्रवेशकारी कड़ा हुशियारी दिलें केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে দলের পরিবর্তন যাত্রায় বক্তব্য রাখছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গড়তে পারলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করা হবে। আমি আপনাদের সবাইকে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠনের জন্য আবেদন জানাতে চাই। আমরা প্রত্যেক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করব। এই জমি আদিবাসীদের, কিন্তু এখানে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। আদিবাসীদের সংখ্যা 40% থেকে 28% নেমে এসেছে। যেহেতু অনুপ্রবেশকারীরা জেএম, কংগ্রেস ও আরজেডির ভোট ব্যাংক, তাই এখানকার সরকার জনকল্যাণের পরিবর্তে অনুপ্রবেশকারীদের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ওই সভায় অমিত শাহ দাবি করেন, রাজ্যের পাকুড়া জেলায় হিন্দুরা ঝাড়খণ্ড ছাড়ো স্লোগান তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের বিষয়টি তদন্তের জন্য ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়ায় তিনি আদালতকে ধন্যবাদ জানাতে চান। এই তদন্তের জন্য কেন্দ্র শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড সরকারের সহায়তায় একটি কমিটি গঠন করবে। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ, তাতে যায় কি আসে? এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিক কি বলেছেন দেখুন। 37 আদিবাসী বহনো পর বলাৎকার হুয়া, 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, साहिबगंज की आदिवासी बेटी रीबिका की हत्या हो गई, दुमका की बेटी अंकिता की हत्या हुई। कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि एक करने वाले उनकी वोट बैंक है, वो घुसपैठिए हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठिए को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। परिवर्तन करना है, ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो, ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं, मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाई कोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमिटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में
हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा। और हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।